नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अनु मिस यूट्यूब हिंदी चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी हिंदी टाइपिंग की सेकंड वाली वीडियो है, जिसमें हम लोग सेकंड लेसन के बारे में देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक फर्स्ट लेसन नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं MS वर्ड, जिसमें हम लोग हिंदी टाइपिंग करना सीखेंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि ऑफलाइन ही हम लोग सीखेंगे, ऑनलाइन नहीं सीखेंगे, क्योंकि टाइपिंग सीखने के लिए ऑफलाइन ही बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है MS वर्ड सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर हमने MS वर्ड ओपन कर लिया है और यहाँ पर हमने फॉन्ट भी चेंज कर लिया है। तो ये आप चेंज कर लें फॉन्ट। उसके बाद अब यहाँ पर आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे हिंदी टाइपिंग का सेकेंड लेसन। तो चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों, कीबोर्ड पे फिंगर रखने की पोजीशन तो आपको पता हो गई होगी, क्योंकि पिछली वीडियो में भी हमने बताया था और उसके पिछली वीडियो में भी हमने बताया था। तो अब यहाँ पर ये हम नहीं बताने वाले हैं, सिंपली हम कीबोर्ड पे अपनी उंगलियों को सेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने रख लिया। अब उसके बाद हम लोग आज के इस वीडियो में सीखेंगे, पिछली वीडियो में हम लोगों ने मिडिल रो के बारे में तो देख लिया था, तो आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप रो के बारे में सीखेंगे कि टॉप रो पे कौन कौन से अक्षर आपके होते हैं, शिफ्ट के साथ भी और विदाउट शिफ्ट भी। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है, हम क्यू बटन से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हम क्यू को प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ छोटा ऊ की मात्रा आ जाएगी। ऐसे ही डब्लू को प्रेस करेंगे तो बड़ा ऊ की मात्रा आएगी। ई से जो है म आएगा, र से यहाँ पर त आएगा और टी से ज आएगा। उसके बाद अब हम चलते हैं राइट हैंड से, तो वाई को प्रेस करेंगे तो ल आ जाएगा, यू को प्रेस करेंगे तो एन आएगा, आई को प्रेस करेंगे तो प आएगा। उसके बाद ओ से व आएगा, पी से यहाँ पर च आएगा और ये वाला जो बटन है इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ख आ जाएगा, और इसके आगे वाला जो बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो है इस टाइप की मात्रा आ जाएगी, जो कि एक हलंत की तरह है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि कौन कौन से बटन पे कौन कौन से अक्षर है। तो एक बार और हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आपको स्पेस देना है तो आप दे सकते हैं हर वर्ड के बीच में। तो यहाँ पर हम स्पेस दे लेते हैं ताकि जो भी अक्षर यहाँ पर टाइप हो वो क्लियर हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्यू प्रेस करेंगे, छोटा ऊ, उसके बाद बड़ा ऊ, उसके बाद स्पेस म, उसके बाद त, ज। अब उसके बाद इधर से करते हैं तो ल, न, प, व, च, आधा ख और यहाँ पर हलंत। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो ये आपको बार बार करना है जब तक आपको ये याद ना हो जाए। तो चलिए एक बार हम लोग जल्दी जल्दी करके देख लेते हैं और आप भी हमारे साथ कीजिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने सारे वर्ड टाइप कर लिए। तो अब आपको यहाँ पर ये याद कर लेना है कि कौन कौन से बटन पे कौन कौन से अक्षर है। तो एक बार फिर से हम फास्टली कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सारे के सारे वर्ड टाइप हो गए हैं। अब यहाँ पर जो है, इसे सीखने के लिए इन सभी अक्षर से मिलते जुलते कुछ वर्ड हम लोग बना लेते हैं और उससे हम लोग टाइप करते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ वर्ड बनाया हुआ है। जैसे मान लीजिए, अगर हमें लिखना है जल, तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, तो चलिए लिख के देखते हैं। जल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं टी प्रेस करेंगे तो ज आ जाएगा, वाई प्रेस करेंगे तो ल आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है जल हो गया। अब उसके बाद नल के लिए मत, पवन, जलज, वन, नमन, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने कुछ वर्ड यहाँ पर टाइप किए। इसी तरीके से आप कई सारे वर्ड बना सकते हैं, बहुत सारे वर्ड यहाँ पर आप टाइप करके सीख सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आगे हम लोग जानेंगे शिफ्ट के साथ। अगर हम इन्हीं सभी बटन को शिफ्ट के साथ अगर प्रेस करते हैं तो कौन सा अक्षर आएगा, तो चलिए करके देखते हैं। तो शिफ्ट के साथ इधर वाला, मान लीजिए ये वाले सारे बटन इस्तेमाल करना है आपको, तो ये वाला शिफ्ट हम दबाएंगे और इधर का ये सारा बटन आपको प्रेस करना है तो ये वाला शिफ्ट हम इस वाली उंगली से दबाएंगे। तो फिलहाल हम इधर से स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये वाले शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो शिफ्ट के साथ क्यू प्रेस करेंगे तो फ,
डब्लू प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्धचंद्र बिंदी, उसके बाद ई से आधा म, आधा त, टी से आधा ज। तो यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो भी वर्ड हमने यहाँ पर टाइप किया ई आर टी, तो यहाँ पर जो है बिना शिफ्ट का अगर हम प्रेस करेंगे तो ये पूरा पूरा टाइप होगा, लेकिन शिफ्ट के साथ हम प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आधा आधा टाइप हो रहा है। तो इसी तरीके से आप जो है हर एक पॉइंट नोटिस कर करके याद कर लें। उसके बाद यहाँ पर जो, अब उसके बाद इधर वाले शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर देख रहे हैं आधा ल, आधा न, आधा प, आधा व, आधा च, और यहाँ पर आधा छ, और उसके बाद द। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इसमें से कुछ ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिन्हें हम शिफ्ट के साथ प्रेस कर रहे हैं तो वो जो है हाफ हाफ यानी कि आधा आधा टाइप हो रहा है। तो चलिए एक बार और हम फास्टली टाइप करके देख लेते हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है वर्ड टाइप हो गए हैं। तो ये आपको याद कर लेना है कि कौन कौन सी बटन पे कौन कौन सी अक्षर है। अब उसके बाद इसके लिए भी हम लोग कुछ वर्ड टाइप करेंगे, तो चलिए करके देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें लिखना है फूफा, तो सबसे पहले शिफ्ट के साथ हम क्यू प्रेस करेंगे, उसके बाद ऊ की मात्रा लगाएंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, फिर शिफ्ट के साथ क्यू प्रेस करेंगे, अब उसके बाद अ की मात्रा लगाएंगे। तो अ की मात्रा कैसे लगाएंगे ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, तो इस वीडियो में हम इस वाले रो का भी इस्तेमाल करेंगे जो कि आप लोगों ने सीख लिया है, तो यहाँ पर अ की मात्रा लगा देंगे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से हम फूफा यहाँ पर लिख पाएंगे। उसके बाद अगला जो वर्ड है वो है हमारा नमस्कार। मान लीजिए नमस्कार लिखना है तो न, म, आधा स, क, आ की मात्रा, र। अब उसके बाद अगला है क्षमा, तो शिफ्ट के साथ ये वाली बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर आधा छ आया है तो इसे पूरा बनाने के लिए अ की मात्रा लगा देंगे, उसके बाद म, फिर आ की मात्रा। तो इस तरीके से ये क्षमा हो गया। फिर से लिख लेते हैं, शिफ्ट के साथ ये वाली बटन, अ की मात्रा, म, आ की मात्रा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वर्ड हो गया है। अब उसके बाद अगला वर्ड है ज्ञान, तो शिफ्ट के साथ के, फिर बिना शिफ्ट का के तो आ की मात्रा हो जाएगी, उसके बाद न। तो इस तरीके से ये हो गया। ज्ञानी लिखना है तो फिर से वही काम करेंगे और यहाँ पर ई की मात्रा लगा देंगे। उसके बाद द्वापर, द्वापर लिखने के लिए ये वाली बटन हम इस वाली उंगली से प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ, उसके बाद अ की मात्रा, प और र। तो इस तरीके से ये हो गया। क्षम्य लिखना है तो फिर से यहाँ पर आधा छ, अ की मात्रा, फिर शिफ्ट के साथ ई प्रेस करेंगे तो आधा म, यानी कि ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद अगला है थिरकना, तो मान लीजिए थिरकना में हमें यहाँ पर छोटी की मात्रा लगानी है तो छोटी की मात्रा सबसे पहले लगा लेंगे, उसके बाद शिफ्ट के साथ एफ, तो यहाँ पर इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर थ को हमें पूरा बनाना है तो अ की मात्रा लगा देंगे, फिर र, क, न, आ की मात्रा। तो इस तरीके से ये हो गया। अब उसके बाद अगला है खामोश, तो खामोश के लिए ये वाली बटन, पूरा बनाने के लिए इसे अ की मात्रा, म, फिर अ की मात्रा, अब उसके बाद ओ की मात्रा। तो इस तरीके से हो जाएगा ये। अब उसके बाद बड़ा स, तो बिना शिफ्ट का ये वाली बटन प्रेस करेंगे, अब उसके बाद अ की मात्रा लगा देंगे। अब उसके बाद जैसे अगला मान लीजिए लिखना है शेष, तो शेष लिखने के लिए बिना शिफ्ट का ये वाला बटन, अब उसके बाद अ की मात्रा, फिर ए की मात्रा, अब उसके बाद यहाँ पर मूर्धनि ष लिखना है तो मूर्धनि ष के लिए शिफ्ट के साथ ये वाली बटन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आधा हो गया है, पूरा बनाने के लिए अ की मात्रा लगा देंगे। तो इस तरीके से ये शेष हो गया। तो इसी तरीके से जो है आप यहाँ पर बहुत सारे वर्ड अपने मन से बना करके और टाइप करें ताकि जो है आपकी स्पीड बढ़े और आपको हर एक वर्ड जो है क्लियर तरीके से आपको याद हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बॉटम रो के बारे में जानेंगे, इसके बारे में शिफ्ट के साथ और विदाउट शिफ्ट के साथ कि इस वाली बटन पे कौन कौन सी अक्षर हमारी आती है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक और शेयर ही हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट बनता है। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।